दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिल से बोलना चाहूंगा मैं, और आपको भी ये बात अगर सच्ची लगे तो तालियों का सैलाब भी चाहूंगा मैं। तो आपकी तालियां मुझे सुनाई तो नहीं देगी, बट आपके रिएक्शन से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ये बात अच्छी लगी। कहते हैं कि हमें कितना भी मारो, हम आसानी से मरते नहीं। कहते हैं हमें कितना भी मारो, हम आसानी से मरते नहीं। हम सर्वेश किसी के बाप से डरते नहीं। तो सर्वेशियन जो है, बिकॉज वी ऑल आर सर्वेशियन, और इसी के लिए एक बार जोरदार तालियां मुझे दिखनी चाहिए इनबॉक्स में आपके रिएक्शंस के साथ, अगर आप मानते हो कि हाँ, हम सब एक फैमिली है। आगे बढ़ने के से पहले मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज की बात है कि आज का जो फ्राइडे वेबिनार है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरीके से है, और फैमिली, वी ऑल आर सर्वेशियंस आर लाइक फैमिली। अगर आपको लगता है कि हम सच में एक फैमिली है, हम सच में वी आर वन फैमिली, सर्वेशियन SHPL एक परिवार है, यस और नो? अगर लगता है तो 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, इनबॉक्स में वी आर फैमिली लिख करके मैसेज करिए 1 मिनट के अंदर। जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग मैसेज करके मुझे भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेजेस का। मैसेज करके भेजिए, वी आर फैमिली, वी आर टू फैमिली, और हम सब एक बड़ा परिवार, SHPL परिवार। बहुत बढ़िया, सबका मैसेज आ रहा है, आता जा रहा है, और इतना पढ़ने का वक्त भी नहीं है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। दोस्तों, ये धीरे धीरे 4 सालों का सफर, 5वां साल स्टार्ट है, और इस धीरे धीरे के सफर में हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, और बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे राज्यों में हमने अपनी प्रेजेंस बनाई है, हमने अपना अपना स्थान पाया है, और आज सर्वेश्वरी एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। और इस परिवार के हिस्से में, आज इस परिवार के हिस्से में सबसे पुराने, जो कि हम कह सकते हैं फाउंडर लीडर, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वो उस टाइम की बात है जहां से आज से मैं करीब 2.5 साल पहले चलूं, जहां पर कोई टीम नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई इतना बड़ा हुजूम नहीं था, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करके आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का अहुदा हासिल किया है। दोस्तों, तो दोस्तों कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी उस लीडर में, उस एसोसिएट में, उस व्यक्ति में। दोस्तों, वो व्यक्ति 2.5 साल पहले इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस में इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, और आज मैं कहूं तो 1 करोड़ से ज्यादा उन्होंने अर्निंग करी है डायरेक्ट सेलिंग से। तो दोस्तों, उन्होंने अपने सपनों को जिया है, अपना बड़ा घर, बड़ी कार, और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर चीज की फ्रीडम के साथ आज वो यहाँ पर आप सबको सिखाने के लिए तत्पर है, रेडी है। क्या आप लोग रेडी हैं? कहते हैं उनको उनको कहते हैं SHPL का शाहरुख खान, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी, बेहतरीन हाइट के साथ, बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ, बेहतरीन आवाज के साथ, बेहतरीन नेचर के साथ, बेहतरीन व्यवहार के साथ। कहते हैं व्यवहार अच्छा होगा तो व्यापार और अच्छा होगा, तो उनका व्यवहार इतना अच्छा है, इसीलिए उनका व्यापार भी इतना अच्छा है, और आज वो हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं जस्ट
कुछ ही पलों में। जल्दी से आप नाम गेस करिए, नाम इनबॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आज के गेस्ट फैबुलस फ्राइडे के कौन होने वाले हैं और फिर देर ना करते हुए उनका वेलकम किया जाए। जल्दी से आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि आज कौन आने वाला है और फिर उनका स्वागत किया जाए। क्या बात है, तो सब लोगों ने गेस कर लिया है। मुझे लगता है सब लोग हमारी वेबसाइट पे हमारे व्हाट्सएप के मैसेज को बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्मार्टेस्ट लीडर मिस्टर सालू ठाकुर को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर सालू ठाकुर का और मैं चाहूंगा कि सर सर यहाँ पे उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि नमस्कार। थैंक यू सरबजीत जी, थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, और थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े प्यार से बुलाया, कॉल किया इस मीटिंग में। और सर के बारे में क्या कहना है, सर हमेशा ही आप स्माइलिंग फेस में रहते हैं। जब से आपसे जितनी बार जब भी मिले हैं दिल्ली ऑफिस या बाहर कहीं मुलाकात हुई है, एक हंसी याद आपके थ्रू ही हमारे मन में एक छाप चुकी हुई है आपकी। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर, वेलकम टू यू। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास सर। इतने खुशनुमा माहौल में आपने मीटिंग की शुरुआत की है और थैंक यू सर। सर आपका स्वागत है, अंतहे दिल से स्वागत है। प्लीज ये वेबिनार आपका है, प्लीज You can continue, please, sir. Thank you so much, sir. सबका स्वागत। जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा था काफी चेहरे यहाँ पे, करीब 300 के लोग बैठे हैं और मैं देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10-10 20-20 इकट्ठे होकर भी बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पे इकट्ठे होकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने बैठे हैं। और सबका स्वागत है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, अच्छे सर्दी पड़ रही है, मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, धूप अच्छी लगती है, मौसम अच्छा है, इसमें अलग ही मजा है दिसंबर। और अब जैसे पता है कि ये दिसंबर बड़ा शानदार जा रहा है, डेजलिंग दिसंबर जा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह के अब तक की क्लोजिंग गई है सर्वश्री में, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग ऑल ओवर पूरे इंडिया से जाएगी। हर आदमी जो है वो अपना पिन तोड़ने में, रिकॉर्ड ब्रेक करने में लगा हुआ है इस महीने में, और 2023 की हम सारे शुरुआत बड़ी शानदार करेंगे, ऐसी मेरी आप सबके लिए विशेज हैं। और दोस्तों मेरा नाम जैसे सर ने बताया शालू ठाकुर, पंजाब से हूँ, पठानकोट पंजाब से हूँ मैं रहने वाला, डाक सेली में पिछले कुछ सालों से हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने और मेरी सबसे पहली जो इनकम इंसेंटिव या कुछ भी कह लीजिए कमाई हुई वो डाक सेलिंग से हुई, और तब से लेकर आज तक मैं कुछ और नहीं कर पाया, सिर्फ डाक सेलिंग, क्योंकि डाक सेलिंग में होना बड़ा मुश्किल है, डाक सेलिंग का हो जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसके हो जाते हैं फिर आप किसी के और हो नहीं पाते। इतनी प्यारी इंडस्ट्री है, इतना प्यारा व्यापार है कि कहते हैं ना एक डॉक्टर नेटवर्कर बन सकता है लेकिन एक नेटवर्कर डॉक्टर नहीं वापस बन सकता, क्योंकि जो प्यार यहाँ मिलता है, जो इज्जत यहाँ मिलती है, जो रुतबा यहाँ मिलता है, जो ऑनरशिप फील यहाँ पे आता है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे मिलती है, और शायद जो पैसा यहाँ पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है, जो लग्जूरियस फील यहाँ पे आता है, जो ग्लैमरस इस इंडस्ट्री में है वो शायद दुनिया की किसी भी और इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब दिस इज मैं ये कह सकता हूँ दिस इज अपॉर्चुनिटी टू राइट योर ओन पे चेक। मतलब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप अपनी सैलरी कितनी लेंगे या आप अपना इंसेंटिव इस महीने का कितना लेंगे। आप 20,000 डिसाइड कर लीजिए, आप 20,000 के लिए एफर्ट कीजिए, आप 1,00,000 डिसाइड कीजिए, आप 1,00,000 के लिए एफर्ट कीजिए, आप 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 डिसाइड कीजिए, आप उसके लिए एफर्ट कीजिए, आप पाएंगे, डेफिनेटली आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात ना मैंने शुरू में सुनी थी जब मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ, व्हेन आई वाज फ्रेशर टू दिस इंडस्ट्री, ऐसी बातें सारी मैंने स्टेज पे सुनी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ये सारी चीजें मेरे साथ पूरी होनी शुरू हो गई। जो चीज लाइफ में मैंने सोची वो इस इंडस्ट्री की वजह से मैंने हासिल की। जैसे सर बता रहे थे सर्वाश्री को आज करीब करीब 5 साल होने को है, लेकिन मुझे सर्वाश्री के साथ 2.5 साल हो चुका है। जब हमने सर्वाश्री शुरू किया था तब सर्वाश्री साउथ में ज्यादा थी, नॉर्थ में कोई बड़ी प्रेजेंस सर्वाश्री की नहीं थी, और क्योंकि हमने कंपनी की बैकग्राउंड देखी अच्छा, गोपाल सर से मिलना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और तब हमने मिलकर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरे पूरे हमने उनके मिलकर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हमने शुरू किया, 12-14 स्टेट में हमने शुरू किया, और जब से शुरू किया परमात्मा की कृपा से प्रेजेंस हुई सब जगह पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे,
YouTube पे सब लीडर्स की प्रेजेंस हुई, तो बहुत अच्छा व्यापार आया, बड़ी तेजी से व्यापार किया और फायदा होता है हर एक को, इसका फायदा होता है, हमें किसी और का फायदा हुआ, हमारा फायदा किसी और को होता है, क्योंकि क्या होता है जब माहौल पॉजिटिव होता है ना तो फल तब पकता है, जब पूरा वातावरण पॉजिटिव होता है तो फल पकता है, वो फल किसी की झोली में गिरे। और मेरा मानना है कि सर्वाशी काफी ज्यादा मेहनत हमारे ज्वाइन करने से पहले कर चुकी थी, चाहे इनका लॉजिस्टिक हो, चाहे इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे इनका इन हाउस हो, चाहे इनकी इन्वेंट्री हो, काफी चीजें इनकी दुरुस्त हो चुकी थी जब हमने शुरू किया। और फिर हमारे लिए की चांस था कि हम बिजनेस करें, बड़ा हम बिजनेस करें, हम प्रूव करें, और हमने किया। हाँ, नॉर्थ इंडिया में फेथ नहीं लोग करते थे, कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी, हमने उस फेथ को थोड़ा लोगों में लेकर आए, फिर फेथ बिल्ड हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स लगे, बड़ी आरटीपी हमने की, ट्रेनिंग्स बहुत बड़ी प्रोग्राम की, शायद उस समय की तब सबसे बड़े ट्रेनिंग्स हमने की थी, सबसे बड़े आरटीपीज हमने की थी, चाहे वो जिम कॉर्बेट की, चंडीगढ़ 2-3 की हमने, दिल्ली में की और गोवा में की, बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेमिनार्स हुए जिसकी वजह से इतना बड़ा कारवां आज हो पाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी अप्लायंस का, संजीव सर, प्रवेश सर, जो हमारे इमीडिएट स्पॉन्सर अप्लायंस हैं, और हम सारे जो मेरे पार्टनर्स हैं अपने, संजीव शर्मा जी पठानकोट से और बॉबी सर अमृतसर से, इन सब के सहयोग से मतलब सर्वाशी अब तक सफर रहा है। बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा साथ दिया, अच्छा परफॉर्म किया, और आज वो सारे कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनरशिप को। दोस्तों ये जो एक हर शुक्रवार को ट्रेनिंग लगती है, कोई ना कोई महानुभाव यहाँ आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है, ये एक बहुत अच्छा मतलब एक प्रथा चली हुई है कंपनी में, कोई ना कोई यूनिवर्सल क्राउन बेस जाता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। मुझसे पहले बहुत अच्छे लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने उनको सुना, मतलब कहते हैं कोई ना कोई कोई किसी भी किसी कोई भी वर्ड अगर किसी के लाइफ में अच्छा प्रभाव डाल दे, कोई किसी का एक्ट किसी के लाइफ में अच्छा प्रभाव डाल दे, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हमारे आसपास ना कोई ज्यादा पॉजिटिव माहौल तो होता नहीं, हमारे आसपास कोई ज्यादा अच्छी अच्छी बातें नहीं होती हैं, बट एक ऐसी इंडस्ट्री में हम जहां हर आदमी एफर्ट कर रहा है आपको पॉजिटिव माहौल देने में, आपको पुश करने में, आपका बिजनेस बड़ा करने में, वो चाहे आपकी अपलाइन में है, चाहे आपकी क्रॉस लाइन में है, चाहे आपकी डाउन लाइन है, लेकिन वो एफर्ट डाल रहा है। और ये कोलैबोरेट एफर्ट जो होता है ना, वो इस इंडस्ट्री के सिवा कहीं कोई नहीं मिलता। बहुत इंडस्ट्रीज है लेकिन वहां पे गला काट दौड़ है, कोई भी ये नहीं चाहता कि आपका बड़े हों और वो वहीं रह जाए, लेकिन यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दूसरे के लिए वर्क किया जाता है, दूसरे के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि हर एक आदमी आगे बढ़ सके। आज मैं काफी शायद दिनों बाद इस ट्रेनिंग में आया हूँ और ट्रेनिंग लगाने के लिए, शायद पिछले 2-3 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, लेकिन इन बिटवीन भी ट्रेनिंग चली, मैं प्रेजेंस नहीं रहा, मैं इसमें एज ए स्पीकर नहीं था, मेरी टीम सारी आई हुई थी, मैं भी आया हुआ था, स्पीकर कोई और था, वो चाहे मेरी अप्लायंस में संजीव सर, प्रवेश सर थे, या मेरे पार्टनर्स थे, या मेरी क्रॉस लाइन में थे, बट सबने एफर्ट डाला है ताकि सबकी इंडस्ट्री बड़ी हो सके। तो मैं सबका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ, जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे आए, यूनिवर्सल क्राउन मैसेज जितने भी आए, उन सबका शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इम्पैक्ट डाला है सबके ऊपर। और जो स्नो प्रोग्राम चलता है, जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप लीडर्स हैं हमारे साथ, जितने भी वुमेन इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनका मंडे को प्रोग्राम होता है, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग तकलीफ में, अलग कंडीशंस में रह के काम किया है। बीइंग ए मेल हमारे लिए काम करना इजी, हम फुल टाइम कर सकते हैं, हम कभी भी जा आ सकते हैं, बट बीइंग ए वुमन वर्क करना और लेवल लेना और प्रूव करना अपने आप को, ये काफी टफ है जिस माहौल में हम रह रहे हैं, पर उन सब ने उस माहौल में काम किया और हमें सबको इंस्पायर किया, वो भी बहुत बहुत हकदार हैं तालियों के, सल्यूट के, ग्रीट के और एप्रिसिएशन के। आज जैसे फ्राइडे है, आज मेरा टर्न है आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का। मुझसे पिछली जो ट्रेनिंग लगी थी, प्रवेश सर ने लगाई थी, एक एक पॉइंट बड़ा दुरुस्त था, एक एक पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक लिए थे। उससे पहले जितनी ट्रेनिंग लगी हैं, संजीव सर चंडीगढ़ जी ने लगाई, बॉबी सर ने लगाई थी, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही है। सुबह का सेशन, मॉर्निंग का प्रोडक्ट बेस रहता है अच्छा, तो मैं उन सब पे आता हूँ कि हर एक लीडर्स ने अपना बेस्ट दिया यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ किसी भी एक लीडर की अगर एक बात पे हम फॉलो कर गए ना, इस ट्रेनिंग का मतलब जो है कि किसी भी एक लीडर की कोई भी एक बात भी हम फॉलो कर पाए या कर गए, तो यकीन मानिएगा आप कल जब कामयाब होंगे तो आप उस बात को जरूर दोहराएंगे कि मैं उन ट्रेनिंग में उन्होंने ये कहा था स्पीकर में, और मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया। सिर्फ इस ट्रेनिंग का मतलब ये रहता है।
जरूरी नहीं साइड टर्निंग ही आप देखें, जरूरी नहीं सब चीजें आप इंप्लीमेंट करें, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लग गई और जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आ गया, जिसपे आपका गियर बदल गया, जिसमें अपना मोमेंटम ले आए अपने बिजनेस में, वही बात आपके लिए काम कर जाएगी। तो बींग ए स्पीकर आज मैं भी आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं है मेरे मैं, लेकिन मैं कुछ मैनेजमेंट के दो तीन ऐसे पॉइंट छोटी छोटी स्टोरी के रूप में, दो या तीन स्टोरी के रूप में आपसे शेयर करूंगा कि बींग ए नेटवर्कर जब आप काम कर रहे हैं, जब आप एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हैं, आप क्योंकि आप अपनी शायद पहली जनरेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, शायद क्योंकि जो आपके फोर फादर्स हैं, जो आपके फादर हैं, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, हो सकता है वो किसी प्राइवेट जॉब में रहे होंगे, तो आप या मैं पहली जनरेशन है, कम से कम मैं तो पहली जनरेशन में हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप में है। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो मैं पहला एंटरप्रेन्योर बना अपनी फैमिली में। तो इसलिए हमारे यहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं था, सपोर्ट कोई नहीं था, तो फिर छोटी छोटी बातें जो हमारी अप्लाइंस या सीनियर्स या कोई कामयाब लोग सुनाते थे, या मैं बुक से पढ़ता था, या मैं सीरीज सुनता था, या मैं यूट्यूब देखता था, वो बहुत बड़ा असर हमारी लाइफ में करके गई। आज इस इंडस्ट्री में हर चीज हमने हासिल की है क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को हमने इम्प्लीमेंट किया। एक होता है कि आप खुद करें और गलती करें और सीखें, दूसरा होता है आप दूसरे की गलती से सीखें, और तीसरा होता है आप दूसरे की शिक्षा से सीखें, दूसरे की एजुकेशन से सीखें, और आपको गलती करने की जरूरत ही ना पड़े। उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आपका मोमेंटम वेस्ट नहीं होता, और आप जल्दी जल्दी सक्सेस पाते जाते हैं। हालांकि ये इंडस्ट्री इतनी भी इजी नहीं है जितनी समझी जाती है। इस इंडस्ट्री में भी कई तरह के एग्जाम्स होते हैं, कई तरह की हर्डल्स आती हैं, कई तरह के आपके आगे बार रखी जाती हैं कि क्या आप उसके काबिल भी है। नहीं, हर इंडस्ट्री कोई भी बड़ा एग्जाम जब लिया जाता है, आईएएस आईपीएस या कोई भी आप किसी भी सेक्टर में है, तो जब भी प्रमोशन होती है ना आपकी, तो आपके सामने एग्जाम रखा जाता है। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो यू आर वेलकम, आप बड़े लेवल पे आ जाते हैं, आप बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं। सेम डाक सेली में भी जब आपने बड़ा लेवल लेना है या कुछ बड़ा करना है, आपके सामने एक हर्डल, एक एग्जाम रखा जाएगा। अगर आप उसको पार कर पाएंगे तो तभी आप अगले लेवल पे जा पाएंगे। बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को शुरू करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं कर पाते, वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे एग्जाम से, छोटे लालच से, छोटी चीजों से पार ही नहीं कर पाते, वो वहीं उलझ के रह जाते हैं, अपनी एनर्जी वहीं रह जाती है। ठीक है ना, आप जब जाते हैं ड्राइव करते हैं कार से, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड स्लो करते हैं और ब्रेकर गियर डाउन करते हैं और उसको क्रॉस करते हैं और निकल जाते हैं, फिर आप गियर बढ़ा लेते हैं, गाड़ी स्पीड पे ले लेते हैं। आप कभी स्पीड ब्रेकर से रुक के बहस नहीं करते या उससे पूछते नहीं, ये यहाँ क्यों है, ये खड्डा यहाँ क्यों है, ये किसने डाला, इतना अच्छा हाईवे था, ये खड्डा क्यों होना चाहिए। ब्रेकर जो होते हैं, स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो दे आर जस्ट टू चेक, वो जस्ट एग्जामिन करने के लिए होते हैं आपको, आपको एक हर्डल देते हैं ताकि आप उससे थोड़ा स्लो होकर निकलें। तो मैं तीन ऐसे मैनेजमेंट लेसन आपसे आज डिस्कस करूंगा जो वैसे तो कॉर्पोरेट में समझाए जाते हैं, बीइंग क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कई चीजें मैंने इंटरनेट से सीखी हैं, कई चीजें मैंने बड़े ट्रेनर से सीखी हैं, कई चीजें मैंने अपलाइन से सीखी हैं, कई चीजें मैंने पेड ट्रेनिंग लेकर भी सीखी हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। डार्क सेलिंग इंडस्ट्री मेरा पैशन है, मुझे लगता कि मैं कोई और काम कर सकता हूँ सिवाय डार्क सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा। मैं इसको इंडस्ट्री कहता हूँ, ये कोई बिजनेस नहीं कहता मैं इसके लिए हमेशा वर्ड इंडस्ट्री यूज करता हूँ, क्योंकि ये आप अपने खुद के मालिक हैं, यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, बट आप मालिक हैं जितनी आपकी टीम है। अगर आपकी टीम में दो लोग हैं तो आप दो लोगों की इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, अगर आप में 20 लोग हैं तो आप 20 लोगों की इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ना सिर्फ पॉजिटिव रहना ही जरूरी है, बल्कि आपका मैनेजमेंट स्किल डेवलप करना, आपका प्रॉब्लम हैंडलिंग करना, आपका ग्रिडीनेस से बाहर आना भी जरूरी हो जाता है। तो मैं तीन ऐसे लेसन आपसे डिस्कस करूंगा, तीन ऐसे स्टोरीज के रूप में, ऐसे कॉर्पोरेट लेसन आपसे डिस्कस करूंगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा असर छोड़ सकते हैं, और उम्मीद आपको पसंद भी आएंगे। तो उस तरफ बढ़ चलते हैं, मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपसे स्क्रीन। काफी लोग जो है मैसेजेस कर रहे हैं लगातार, वाह जी हाँ, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, होप सो आप तो दिख रही होगी। ये तीन कॉर्पोरेट लेसन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, सो वी विल बी गोइंग थ्रू चेंज, क्योंकि हम एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, तो ये तीन ऐसी स्टोरी हैं जो आपके हेल्पफुल रहेंगी।
इंग्लिश में लिखी है, मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा, उसका हिंदी रूपांतरण पेश करूंगा आपको, ताकि आप और हम सब लोग आसानी से समझ पाए। Here's three lessons from large corporation to help you survive change. तीन ऐसे लेसन आपसे शेयर करूंगा जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े मतलब हाउसेज में, इनकॉर्पोरेशन में शेयर किए जाते हैं, ताकि बड़ा व्यापार और बड़ी सोच डेवलप की जा सके अपने सीनियर्स की, अपने सीईओस की, अपने एम्प्लॉयज की, अपने पार्टनर्स की, अपने एसोसिएट्स की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की। तो वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला लेसन या पहली स्टोरी, टिक्रो वाज सिटिंग ऑन ए ट्री डूइंग नथिंग ऑल डे। ये कहानी है, ये छोटी सी स्टोरी है। एक कौआ एक टहनी पे बैठा होता है और सारा दिन कुछ भी नहीं कर रहा होता। कौआ एक सारा दिन टहनी पे बैठा रहता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता, खाली लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, मजे में जी रहा होता है, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहा होता, कुछ दौड़ भाग नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ को मजे में करता, वहीं उसके आसपास उड़ता और टहनी पे आकर बैठ जाता है। अ स्मॉल रैबिट सॉ द क्रो, एक छोटे से खरगोश, छोटा सा खरगोश ने उस कौए को देखा और उससे पूछा, कैन आई ऑल्सो सिट लाइक यू एंड डू नथिंग ऑल द डे लॉन्ग, क्या मैं भी आपकी तरह बैठ सकता हूं और सारा दिन कुछ भी ना करूं, ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी आपकी तरह एंजॉय कर सकता हूं जैसे आप, मैं देखता हूं कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा बिजी नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं। कौआ साहब, क्या मैं भी आपकी तरह ही ऐसे बैठ के एंजॉय कर सकता हूं कि मैं भी कुछ ना करूं और मजा करता हूं आपकी तरह? अब जब ये उसने कौए से पूछा तो कौए ने क्या जवाब दिया? द क्रो आंसर्ड, श्योर, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, आप भी बैठो, आप भी एंजॉय करो ना, तो आप मजे ले सकते हो, कौन रोका, किसने रोका है आपको? तो ये बात से क्या होगा, खरगोश तो खुश होगा, यार हाँ यार ये भी मैं देखता हूँ, कोई काम नहीं करता, कोई खाने की फिक्र नहीं, कोई भागने की फिक्र नहीं, कोई करियर की फिक्र नहीं, कोई घोंसले की फिक्र नहीं, अगर इसकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही है तो मेरी क्यों नहीं, मैं भी इसकी तरह बैठता हूं और एंजॉय करता हूं। तो हुआ क्या, क्योंकि कौआ था, कौआ तो पेड़ पे बैठा हुआ था, टहनी पे बैठा हुआ था, अब खरगोश है वो टहनियां तो नहीं चढ़ पाता, तो उसने क्या किया, वो जहां था वहां बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ के छाया में आराम करने लगा। सो द रैबिट सेट ऑन द ग्राउंड बिलो द क्रो एंड रेस्टेड। तो खरगोश जो था वो कौए के नीचे जो जमीन थी पेड़ के नीचे, वहां बैठा और रेस्ट करने लगा कि यार हम भी कुछ नहीं करते, हम भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं फ्रीडम का, कि फ्री रह के कैसा लगता है। तो होता क्या है, सडनली ऑल ऑफ सडन ए फॉक्स अपीयर्ड, अचानक से वहां लोमड़ी गुजरती है, आती है और क्या देखती है, देखती है कि खरगोश नीचे बैठा हुआ है जमीन पे, जबकि खरगोश अपने बिल में बैठता है, दौड़ता है इधर उधर, हाथ नहीं आता, और उसने देखा कि खरगोश पेड़ के तने के पास बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा और वो इधर उधर भी जा नहीं रहा, आराम फरमा रहा, इससे अच्छा गोल्डन चांस क्या हो सकता है उसके लिए, लोमड़ी के लिए, कि उसको अपना सामने खाना मिल गया, अपना बैठा बिठाया भोजन मिल गया, तो लोमड़ी क्या करेगी, लोमड़ी उससे आग्रह थोड़ी करेगी कि आओ मेरी भूख मिटाओ, आओ मेरे पास आओ, लोमड़ी ने क्या किया होगा, वही जो कर सकती है, लोमड़ी जंप किया ऑल ऑफ सडन, खरगोश पे जंप किया और रैबिट को खा गई, खरगोश को खा गई, क्या हुआ, कहानी खत्म। जंप किया, खरगोश को खा गई, लेकिन इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है हमें, उसकी तरफ चलते हैं। खरगोश तो खत्म हो गया, वो तो लोमड़ी के पेट में चला गया। इससे शिक्षा ये मिलती है, टू बी सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बैठे रहें और कुछ भी ना करें, एंजॉय करें, यू मस्ट बी सिटिंग वेरी वेरी हाई, आपको बैठने के लिए बहुत ऊंची जगह का ही चुनाव करना पड़ेगा। आप सोचें कि आप नीचे बैठकर आप रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई खरगोश आएगा, कोई ना कोई लोमड़ी आएगी और आप खरगोश को खा जाएगी। ये चैप्टर जो है सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, डैक्सली में बहुत से लोग ना अपनी सीनियर अपलाइन को, ट्रिपल क्राउन मास्टर को, यूनिवर्सल क्राउन मास्टर को, या प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर्स को देखते हैं, वो देखते हैं यार ये ज्यादा सेमिनार्स नहीं करते, यार ये ज्यादा प्लान नहीं करते, ज्यादा फील्ड में भागते नहीं है, इधर उधर जाते नहीं है, ये तो फोन ज्यादा करते हैं, इवेंट मैनेज कर लिए, कुछ सिटिंग कर ली, एमडी सर से बैठ लिया, ऑफिस विजिट कर लिया, तो ये तो असली लाइफ का मजा तो ये लोग ले रहे हैं,
यूनिवर्सल क्राउन मास्टर, प्रेजिडेंशियल क्राउन डायरेक्टर। जिंदगी का मजा तो हम ले रहे हैं, हम खामखा मेहनत किए जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हम खामखा लोगों से मिल रहे हैं, हम खामखा मेहनत कर रहे हैं, हम भी इनकी तरह बैठते हैं ना, हम भी इनकी तरह लाइफ करते हैं, क्या जरूरत है हमें प्लान करने की सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। तो यकीन मानिएगा, जो स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि अगर आप फ्री बैठना चाहते हैं, आप भी अगर लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टॉप पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी। बिना टॉप पे पहुंचे अगर आप रेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई लोमड़ी आपको कच्चा चबा जाएगी, आपको खत्म कर देगी। तो रेस्ट करने की एक ही जगह है, वो है टॉप पे पहुंच के। उससे पहले रेस्ट करना आपके करियर की तबाही कर सकता है, आपको खत्म कर सकता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपलाइन को फॉलो करते हैं, जो बड़ा सीनियर होता है वो उसका लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, वो उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह दिखना चाहते हैं, उसकी तरह एक्ट करना चाहते हैं, पर वो उस प्रोसेस को नहीं फॉलो करते, वो उस प्रोसेस को, उस रास्ते को फॉलो नहीं करते। वो जहां बैठा है इमीडिएटली उसको कॉपी करना चाहते हैं। अच्छा, वो ऐसा कोट पैंट पहनता है, यार मेरा भी काम तब चलेगा जब मैं ऐसा कोट पैंट पहनूंगा, ऐसी ड्रेस पहनूंगा। अच्छा, वो तो स्टेज पे आता है, हाथ हिलाता है और चला जाता है, एक मैसेज देता है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी अब उससे काम करना बंद, प्लान करने बंद, मैं भी मीटिंग में जाऊंगा चीफ गेस्ट बन के, हाथ हिलाऊंगा और चला जाऊंगा। वो उसको प्रोसेस को ना फॉलो करके वो उसके एंड रिजल्ट को फॉलो करना चाहते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, प्रेजिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, एंड क्या है? एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर। वो लोग उनको कॉपी करते हैं इमीडिएटली, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते कि यार वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 साल जी तोड़ के मेहनत की है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2.5 साल 3 साल जी तोड़ के मेहनत की है, तब जो वो जाकर पहुंचे हैं। आज उनकी जैगवार आई है 2.5 साल 3 साल बाद, आज उनकी BMW आई है, आज उनका घर बना है, तब वो रेस्ट कर रहे हैं। और रेस्ट नहीं कर रहे, वो मैनेज कर रहे हैं। और हम सोचते हैं हम 3 सेल के ऊपर या 5 सेल के ऊपर या छोटे से बिजनेस के ऊपर या डायमंड लेवल के ऊपर या क्राउन डायमंड के ऊपर या क्राउन एम्बेसडर के ऊपर हम भी मैनेज करें, हैं, हम भी परफॉर्म करना बंद कर दें, हम भी उनकी तरह बैठे। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एंड रिजल्ट को मत फॉलो कीजिए। हर आदमी शाहरुख खान बनना चाहता है, अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, बुरी बात नहीं है, बनना भी चाहिए, लेकिन प्रोसेस फॉलो कीजिए, एंड रिजल्ट नहीं। एंड रिजल्ट क्या है? जो आज दिख रहे हैं वो, पर प्रोसेस क्या है? जो उन्होंने काम करके वहां तक पहुंचे हैं। अगर आप रास्ता तय करके पहुंचेंगे ना टॉप पे, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, आप इंजॉय कर पाएंगे, आप फील ले पाएंगे, आपको कोई खत्म नहीं कर पाएगा एकदम से, कितना ही बड़ा तबाही आ जाएगी। लेकिन अगर आपने छोटे लेवल पे, छोटी जगह पे, ग्राउंड के पास जाके रेस्ट करनी शुरू कर दी, वैसा फील लेना शुरू कर दिया कि आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, तो यकीन मानिए आप आज खत्म, कल खत्म। मेरी तो इस कहानी का छोटा सा ये सारांश था, उम्मीद होगी आपने समझा होगा। कॉर्पोरेट लेसन्स है ये, मोटिवेशन तो नहीं है, लेकिन आपको एक दिशा दे देती है कि भाई रेस्ट तब तक नहीं करनी जब तक टॉप में ना पहुंच जाओ। भाई टिक्के तब तक नहीं बैठना जब तक ऊंचाई हासिल ना कर लो। भाई तब तक सांस नहीं लेनी जब तक हम टॉप लेवल ना हासिल कर लें। भाई तब तक रुकना नहीं है जब तक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, मतलब कम से कम मेरी 10 लाख मंथ की इनकम फिक्स ना हो जाए, तब तक सांस लेना, रुकना नहीं है। डार्क सैली में आज मुझे मतलब कुछ साल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि 2.5 साल में मेरा यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बन गया, नहीं, जो भी बना है यूनिवर्सल क्राउन मास्टर, ठीक है, कोई 2 साल में बना, कोई साल में बना, कोई 6 महीने में बना, कोई 2.5 साल में बना है। तो आपको क्या लगता है वो 6 महीने में बना है, वो 2.5 साल में बना है? नहीं, उनके पीछे उनका 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा ना, तभी वो SHPL में आकर 6 महीने में क्राउन मास्टर बन गए या यूनिवर्सल क्राउन मास्टर बन गए। तो उनके पीछे पूरी कहानी है, उनका पूरा एक्सपीरियंस है। मुझे डार्क सैली में 18 साल हो गए, तो मुझे आज किसी SHPL में कोई लेवल लेना था तो मुझे कोई समस्या थोड़ी आनी थी, क्योंकि उसके पीछे 18 साल का मेरा तजुर्बा था, 18 साल का मेरा वर्कफोर्स था, 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, 18 साल मैंने ग्राउंड में बताए, तो मुझे अब मैं लेवल लेना कोई बड़ी बात है नहीं। आज हमने BMW ली, ऑडी ली, हमने अभी जैगुआर है, तो ये इसलिए थोड़ी आगे कि 2 साल में आगे, 6 महीने में आगे, नहीं, उसके लिए हमने 10-15 साल पहले लगाए हुए हैं। तो इसलिए हमें आज आसान लगता है बिजनेस बिल्ड करना, आसान लगता है, टीम चली जाए कोई समस्या नहीं आती, क्यों? हमें पता है कि ये फार्मूला है, इसको लगाना है और आगे बढ़ जाना है।
तो उम्मीद है आप जब भी कभी सोचे रेस्ट करने का, रुकने का, सांस लेने का, तो टॉप पे पहुंच के लीजिएगा, उससे पहले नहीं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टर्की वॉज चैटिंग विद ए बुल। टर्की क्या है? टर्की एक मतलब पक्षी होता है, यूरोप में पाया जाता है इसको खासकर, मतलब मुर्गे से थोड़ा बड़ा साइज का होता है और यूरोप में खासकर लंदन में, इंग्लैंड में इसको क्रिसमस पे खाते हैं, महंगा होता है तो क्रिसमस में बना के खाते हैं नॉनवेज को, इसको टर्की को। या अमेरिका में एक गुड फेस्टिवल मनाया जाता है, शायद उसमें खाया जाता है बनाकर, कोई गेस्ट अच्छा आपके घर में आए तो उसको सर्व टर्की अगर सर्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात समझी आती है। तो टर्की जो था वो एक बुल से, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत हेल्प करेगी आपकी। टर्की एक बैल से बात कर रहा था, क्या कर रहा था? कहता है आई वुड लव टू बी एबल टू गेट टू द टॉप ऑफ दैट ट्री। यार मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं उस पेड़ के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ पाता। देखिए मैंने कहा रेस्ट करनी है तो ऊपर चढ़ के रेस्ट करनी है, उससे पहले नहीं। अब टर्की भाई साहब, टर्की भी चाहता है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं उस पेड़ के, लेकिन टर्की क्या उड़ नहीं सकता, टर्की में इतनी जान नहीं होती कि उतना ऊंचा उड़ सके कि वो पेड़ पे चढ़ सके। तो टर्की उस बैल से पूछता है मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं उस पेड़ की ऊंची, सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ पाया और मुझे बड़ी खुशी होगी, बट क्या करूं मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उस टॉप पे चढ़ सकूं, वहां पहुंच सकूं, उस लेवल पे, उस हाइट पे पहुंच सकूं। अब सलाह किससे ले रहा? बैल से। बैल जड़ बुद्धि, तो बैल को क्या जवाब देता है? बैल कहता है हाँ तेरी बात मैं समझ गया, पर मैं एक बात बताऊं, व्हाई डोंट यू निबल ऑन सम ऑफ माय ड्रॉपिंग्स। आप मेरा जो क्या गोबर है, जो मैं गोबर करता हूं यार, उसमें से कुछ छोटा टुकड़ा क्यों नहीं खाते, खा के देखते आप हैं? टर्की कहता है ये क्या कह रहा है? कहता है हाँ वो न्यूट्रिशन से भरे होते हैं, जो मैं गोबर करता हूँ वो बड़ा मल्टीविटामिन होता है, वो न्यूट्रिशन से बड़ा होता है, तू ट्राई कर थोड़ा खाने की, तुझमें जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी। अपनी बल जड़ बुद्धि से वो देता है। और टर्की कहता है अच्छा ऐसा होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन होता है? कहता हाँ ट्राई कर। टर्की पैक्ड एट द लंप ऑफ डंग एंड फाउंड इट एक्चुअली गेव हिम एनफ स्ट्रेंथ टू रीच द फर्स्ट बेंटर। टर्की ने थोड़ा सा चोंच मार के, वो थोड़ा सा गंदी चीज होती है, गोबर होती है, पॉटी जो उसकी होती है, उसको खाया, गोबर को खाया उसको, और उसको वाकई में फील आया कि हाँ यार मुझमें थोड़ी ताकत आ गई है, मुझमें थोड़ी एनर्जी आ गई है, क्योंकि वो पहली टाहनी पे चढ़ पाया, उसको खाने के बाद पहली टाहनी पे चढ़ गया। अब इसके बाद क्या होता है? अगले दिन फिर वही होता है, फिर वो थोड़ी सी और उसका गोबर खाता है और सेकेंड ब्रांच पे चढ़ जाता है। ऐसे इसी तरह थोड़ा और गोबर खाता है, अगली ब्रांच पे, अगले दिन थोड़ा और गोबर खाता है, तो गोबर खा खा के वो ऊपर 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 चढ़ता जाता है और फाइनली वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है। द नेक्स्ट डे आफ्टर ईटिंग मोर डंग ही सेकंड ब्रांच, धीरे धीरे वो दूसरी तीसरी टहनी पे चढ़ चढ़ के कुछ दिनों बाद वो गोबर खा खा के टहनी के सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गया। और जब सबसे ऊपर चढ़ के बैठ रहा तो क्या हुआ, वो दूर से दिख रहा था, तभी वहां से किसान गुजरा। किसान ने देखा टर्की, वाह पेड़ के ऊपर इतनी क्लियर जगह पे बैठा हुआ, अरे मेरी तो लॉटरी लगी, दिसंबर का दिन है, क्रिसमस आने वाली है, तो वैसे मैं टर्की खरीद नहीं पाता, मेहमानों के घर बच्चों के लिए टर्की खरीद नहीं पाता, हम चाव से नॉन वेज का मजा लेते, अरे ये तो बड़ा सामने होके बैठा हुआ है। तो टर्की को ट्री के ऊपर बैठा हुआ देखा तो क्या किया उसने, दूर से ही गोली चलाई और टर्की को मार गिराया। हु प्रॉम्प्टली शॉट द टर्की आउट ऑफ द ट्री, गोली मारी और टर्की को मारा, और टर्की को मार के उसने घर जाके एंजॉय किया, खाया। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म। शिक्षा क्या मिलती है स्टोरी से? टर्की तो बेचारा पेड़ पे चढ़ा गोबर खा खा के, हाइट लेने के लिए, एक अच्छा बड़ा लेवल लेने के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, टर्की को मार के किसने खा लिया। तो शिक्षा क्या मिलती है स्टोरी से? बुलशिट माइट गेट टू द टॉप बट इट वोंट कीप यू देयर। गोबर खाकर आप ऊंचाई तो हासिल कर सकते हैं, गलत तरीके से आप ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, पर ज्यादा देर तक आप वहां टिके नहीं रह सकते। मैं गोबर किसको कह रहा हूं और मैं टर्की किसको कह रहा हूं? मैं टर्की उन तमाम उन लीडर्स को कह रहा हूं जो गलत तरीके से चाहते हैं फटाफट लेवल आ जाए, जो गलत रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं कि फटाफट बड़ा लेवल आ जाए, मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, क्रॉस कर जाऊं। तो दोस्तों गलत तरीके से अगर आप लेवल ले भी लेंगे
तो आप ज्यादा देर वहां टिके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि मैं उसकी टीम तोड़ लूं, उसका लीडर तोड़ लूं, ये कर लूं, मैं वो कर लूं, किसी कंपनी में चला जाऊं, दूसरी में वहां पे टॉप की आईडी ले लूं, पहली आईडी पे लग जाऊं। पहली आईडी वालों को ज्यादातर आत्महत्या करनी पड़ती है, उनके नाम के शहीदी गेट ही बनते हैं, उनके नाम शहादत से ही लिए जाते हैं, हाँ उन्होंने शुरू किया था दोस्तों। तो हाइट लेने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये शिक्षा हमें इस तरीके की मौत से मिलती है, ये शिक्षा हमें मिलती है कि गोबर खा के गलत तरीकों से की हासिल किया गया लेवल ज्यादा देर नहीं टिकता है। और ये लेसन बड़े बड़े कॉर्पोरेट में समझाया जाता है कि आप सही तरीका कीजिए, मेहनत कीजिए किसी हासिल चीज को हासिल करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी एक मतलब जल्दी से मंजिल हासिल करने का रास्ता है। अगर आप उसमें और शॉर्टकट लगाओगे तो नथिंग कुड हैपन, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, यू कांट रीच एनीवेयर, आप खाली अपना करियर ही खराब करोगे। तो ऑलरेडी जो 40 साल की मेहनत है वो हम 4 साल में कर रहे हैं कि 4 साल में वो लेवल हासिल कर लें जो 40 साल में नहीं कर पाते। तो अगर आप ऑलरेडी शॉर्टकट इंडस्ट्री में हैं तो उसमें शॉर्टकट कृपया ना लगाइए। ये 4 दिन में नहीं हो सकता, ये 4 महीनों में नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके लिए प्रोसेस लगता है। आप जिम जाते हैं ना तो आप ये नहीं कर सकते कि यार आप एक दिन जिम जाके आओगे तो देखोगे शीशे में क्या हुआ तो पता चलेगा कुछ भी नहीं हुआ। आप 2 दिन जिम जाओ, 10 दिन जिम जाओ, रोज आके देखो क्या हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आप कंटिन्यू जिम जाते रहते हैं, तो कुछ महीनों बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंज आया है, आपकी बॉडी शेप में आनी शुरू हुई। तो क्या हुआ, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ी, कंटिन्यूअसली मेंटेन करनी पड़ी, कंसिस्टेंसी आपने किया धीरे धीरे धीरे, फिर जाके बॉडी शेप में आई आपकी। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक ही दिन में 9 घंटे लगा दो आपकी बॉडी शेप में आएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कामयाबी के लिए भी पूरा प्रोसेस है, बुलशिट से आप लेवल पे नहीं पहुंच सकते, गलत प्रैक्टिस से आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप पहुंच भी गया कोई लीडर जो आपको चिढ़ा रहा है किसी दूसरी कंपनी की पहली आईडी लेकर, जो चिढ़ा रहा कहीं सेटिंग लेकर, जो चिढ़ा रहा किसी गलत इन्वेस्टमेंट प्लान में जाकर, तो यकीन मानिए अगर वो टॉप पे पहुंच भी गया तो ज्यादा देर तक वहां रहेगा नहीं, वो वहां रह नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इससे खूब सीखा होगा। मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक छोटा सा पक्षी साउथ की तरफ उड़ रहा था, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ की तरफ बहुत ठंड होती है, चाहे हिंदुस्तान की बात कर लें, चाहे फॉरेन की बात कर लें, यूरोप की या अमेरिका की। जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे सर्दी बहुत ज्यादा होगी और साउथ में आके थोड़े से कम सर्दी मिलेगी। तो एक पक्षी सर्दी से बचने के लिए साउथ की तरफ उड़ता जा रहा था, छोटा सा पक्षी था, लेकिन वो इतनी सर्दी थी, इतना वो ठंड थी वहां पे, इट वॉज सो कोल्ड द बर्ड फ्रोज, वो ठंड से जम ही गया, मतलब जम गया, उसके पर नहीं खल पा रहे, बेचारा उड़ता उड़ता इतना जम गया कि जमीन पे आके गिर गया जम के, इतनी ठंडी थी वहां पे। तो जब वहां गिर गया तो बेचारा अधमरा था, ठंड के मारे बुरा हाल था पक्षी का, छोटा सा, और विंटर में तो और भी सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ पड़ती है, बुरा हाल, जम गया, शायद सांसें खत्म होने वाली थी। तभी वो जब ठंड से मर रहा था, जकड़ा हुआ था, एक गाय उसके पास से गुजरी, एक गाय उसके पास आई, तो उसने देखा कि यार ये ठंड से मर रहा है, तो उसने थोड़ा सा गोबर उसके ऊपर कर दिया, जो ठंड से पक्षी मर रहा था उसके ऊपर गाय ने गोबर कर दिया, ठीक है, अपनी डंग उस पे कर दी। तो जैसे उसने गोबर किया तो गोबर जो गाय से निकलता वो गर्म गर्म निकलता है, हालांकि पक्षी को गुस्सा आया कि मेरे पे गंदगी किसने फेंक दी है, मेरे पे गोबर किसने कर दिया, ये गंदी चीज किसने फेंक दी है मेरे पे, बड़ा गुस्सा आया, तिलमिलाया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फील किया कि यार ये तो गोबर तो गर्म है, और गर्म होने से उसको थोड़ी ठंड, वार्म्थ फील होनी शुरू हुई, ठंड उसको कम होनी शुरू हुई। द डंग एक्चुअली थाइंग हिम आउट, वो एक्चुअली जो गोबर था उसने उसको धीरे धीरे, उसका जमा जो था वो पिघलना शुरू हुआ, वो अंदर से पक्षी जो जमा हुआ था ठंड के मारे, तो उस गोबर से वो थोड़ा पिघला फील किया कि हाँ यार थोड़ा सा मेल्ट हुई है स्नो मेरे से, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे यहाँ तो गोबर में। और जब गोबर गर्म गर्म था उसको बड़ा मजा आया,
यार ये तो बड़े मजे हो गया, बेशक गंदगी किसने फेंकी लेकिन ये तो मेरा भला कर गया कोई। यहाँ तो बड़ा गर्म गर्म लग रहा, मुझे ठंड नहीं लग रही है, शुक्र है मेरी जान बच गई। एंड इतना उसने गोबर के अंदर एंजॉय करना शुरू किया एंड सून बिगिन टू सिंग फॉर जॉय। उसने उसी गोबर में मजे मजे लेते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। क्या हुआ, एक तो ठंड से मर रहा था, चलो किसने एहसान किया कि गोबर डाल दिया उसके ऊपर, पहले उसने गालियां निकाली किसने डाला, फिर जब उसको एहसास हुआ कि गर्म है तो वो तो उसको एंजॉय करने लगा, गाना गाने लग पड़ा गोबर के अंदर, सीटी मार बजाने लग पड़ा, म्यूजिक की आवाजें निकालना शुरू हो गया उस पक्षी से। तो क्या हुआ, जब वो गाना गा रहा था, पक्षी सीटी बजा रहा था, एक पासिंग कैट हेयर द बर्ड सिंगिंग एंड केम टू इन्वेस्टिगेट। एक बिल्ली पास से गुजरी, उसने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये गाना कौन गा रहा है, ये सीटी कहाँ से बज रही है। उसमें खोजबीन शुरू कर दी, उसने गोबर हटाया, खोजबीन शुरू कर दी, तो नीचे से क्या निकला, गोबर हटाया, ही फॉलोइंग द साउंड द कैट डिस्कवर्ड द बर्ड अंडर द पाइल ऑफ कोडंग। और जैसे उसने साउंड को फॉलो किया और गोबर हटाया, उस गोबर जब हटा तो पक्षी बाहर आया, उसको लगा वाह, पक्षी को लगा वाह किसने मेरे से गंदगी हटाई, गोबर हटाया, बड़ा खुश हुआ, ऊपर देखने लगा कि यार किसने हटाया मेरे पे, किसने एहसान किया, तो देखा तो बिल्ली, और बिल्ली ने क्या झट से उसको पकड़ा, मरोड़ा और पक्षी को खा गई 1 मिनट में। कहानी खत्म। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है हमें, द मोरल ऑफ द स्टोरी यार, 3 तरह की शिक्षा मिलती है। नॉट एवरी वन हु ड्रॉप शिट ऑन यू इज योर एनिमी। जो भी आदमी आप पे गोबर गंदगी गिरा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, आप पे गाली दे रहा है, वो हर बंदा आपका दुश्मन नहीं होता। जो बंदा पॉइंटेड कर रहा है आपको अच्छा नहीं लगता, यार मुझसे ये समझाता क्यों बार बार, मुझे ये बार बार पॉइंटेड क्यों कर रहा है, मेरी गलतियां क्यों निकाल रहा है। तो हर आदमी जो आप में नुक्स निकाले या आपका आपको लग रहा कि मेरा बुरा किया इसने ऊपर मेरे, वो हर आदमी आपका दुश्मन नहीं होता, कई बार वो आपका दोस्त भी होता है। जैसे गाय, गाय ने क्या किया, गोबर किया, उसने गालियां निकाली, ये क्या गंदगी फेंक दी, लेकिन गाय बाद में पता चला यार नहीं ये गंदगी नहीं, उसने तो एहसान किया है, मैं तो मर रहा था ठंड से, इस गोबर की गर्मी से मैं तो बच गया। कई बार अपलाइन समझाने की कोशिश करती है और डाउनलोड कहती है यार मेरे पे गोबर क्यों फेंक रहे हो, दूर हटो, मुझे जरूरत नहीं है इस चीजों की, मैं खुद कर लूंगा, हमें लगता है ये मेरे पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हर आदमी जो आप पे उंगली उठाता है जरूरी नहीं आपका दुश्मन हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। और दूसरी, Not everyone who gets you out of shit is your friend. और हर आदमी जो उसको आप गंदगी से बाहर निकालता है जरूरी नहीं कि वो आपका दोस्त ही हो। कई बार हमें लग रहा है हम एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मन माफिक वैसा हाइट नहीं मिल रहा, वैसा पैसा नहीं बना पा रहे, तो दूसरी कंपनी का लीडर आके बैठा है, अरे यार मैं तेरी मदद करता हूँ ना, आ बैठ मैं तुझे फार्मूला दिखा समझाता हूँ कैसे कामयाब होना है, आ मैं तुझे कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कामयाबी की। तो यकीन मानेगा हर आदमी जो आपको वहां से निकाल रहा है उस ढेर से जरूरी नहीं आपका दोस्त हो, वो जब भी आपकी कोई ऐसी हेल्प करना चाहेगा यकीन माने आपका बुरा ही होगा। और आपको जो बुरा आदमी लग रहा है कई बार अपलाइन आपका या आपका मेंटर कि यार मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे मीटिंग में अकेला छोड़ देता, मुझे प्लान करने अकेला भेज देता, कहां दलदल में फंसा दिया मुझे, जरूरी नहीं जो दलदल में भेजे वो आपका दुश्मन ही हो और जरूरी जो दलदल से निकाले वो आपका दोस्त ही हो। ये बहुत बातों को ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है किसने दलदल में पुश किया सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सीखें, लेकिन वो पीछे खड़ा था आपको देखने के लिए, कोई कोई दिक्कत होगी तो वो खड़ा था, और जरूरी नहीं कि वो दलदल से निकाला वो आपका दोस्त ही हो, वो दुश्मन भी हो सकता है। और तीसरी और सबसे अच्छी बात, अगर जिंदगी में कभी ऐसी दलदल में आप धस जाओ, कभी ऐसी दलदल में गिर जाओ, तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए, उस पक्षी की तरह जो कीचड़ में घसा, जो गोबर में घिसा और क्या किया, मजे ले लेके गाने गाने शुरू कर दिए। अरे अगर गोबर में फंसी गए हो, जान बचेगी तेरी, तो कम से कम मुंह तो बंद रखा अपना भाई, जिंदगी बच जाती, ना बिल्ली को पता चलता ना वो तुझे खाती। इसी तरीके से अगर आप किसी वजह से दलदल में है, अगर आप बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पा रहे, अगर आप बड़ी कामयाबी नहीं ले पा रहे, तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए, अपलाइन को सिखाने की मत कोशिश कीजिए, आप उनको फॉलो कीजिए, बेटर होगा अपने कान खुले के रखिए, जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, ट्रेनिंग कोई भी ले रहा है उसको सीखिए, उसमें सफलता हासिल कैसे की, मीटिंग में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, सीखिए वहां से। जरूरी नहीं कि आप बता बता के सबको सफलता हासिल कर सकते हैं, आप चुप रहिए इसका मतलब है आपको ज्यादा जरूरत है सीखने की, अगर आप कामयाबी नहीं ले पा रहे तो। जब मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन कहती थी
हमेशा मीटिंग में आना चालू, हमेशा सेमिनार में आना चालू, हमेशा आजकल वेबिनार चलते हैं, आना चालू। क्यों? हमें लगता है यार क्या जरूरत है, हम तो नेगेटिव नहीं है, हम तो पॉजिटिव है, मुझे क्या जरूरत है मीटिंग में। तो अपन बोलती है अगर आप पॉजिटिव है तब भी मीटिंग, अगर आप नेगेटिव है तब भी मीटिंग। क्यों? अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, अगर आपका काम नहीं चल रहा, आप पॉजिटिव नहीं है, आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो अपने आप को कैसे भी कोशिश करके मीटिंग में ले आओ। क्यों? आप कुछ ऐसे मोटिवेट बंदों को सुनोगे, कुछ ऐसे अचीवर से मिलोगे, कुछ ऐसे स्पीकर से मिलोगे जो कामयाब हैं, जिनका काम चल रहा है, जो लेवल ले रहे हैं, जो अचीवमेंट कर रहे हैं, तो आपको उनको सुन के ऐसा लगेगा अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे इसने भी कर दिया, अरे वो भी कर गया तो मैं ही क्यों पीछे रह रहा हूं, इसका मतलब मेरे करने के तरीके में कमी है। तो अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको हर हाल में मीटिंग की जरूरत है, मीटिंग आपको पॉजिटिव करेगी। और अगर आपको लगता है यार मेरा काम बहुत ऐसा चल रहा है, मैं पॉजिटिव हूं, मेरा पूरा फोकस हूं, मुझे मीटिंग की क्या जरूरत है, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, तो तब भी मेरी अपलाइन कहती थी नहीं मीटिंग में जरूर आओ, क्योंकि उस हालत में आपको मीटिंग की भले जरूरत ना हो लेकिन मीटिंग को आपकी जरूरत है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, आप मीटिंग में जाएंगे, यकीनन आप अपनी शेयरिंग करेंगे, तो हो सकता है 10 लोग आपको देख के मोटिवेट हों, 10 लोग आपको देख के सीखें और वो आगे बढ़ जाएं। इसलिए मीटिंग में हमेशा जाइए, चाहे आप पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं। तो तीन चीजें यहां से सीखी हमने कि पहला, जरूरी नहीं जो दलदल में धकेले आपका दुश्मनी है, जरूरी जो दलदल से निकाले आपका दोस्त ही है। अगर कभी आप दलदल में फंस भी जाओ, काम नहीं भी चल रहा, तो कम से कम अपना उस वक्त मुंह बंद रखिए, कान खुले रखिए, बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए, सही आदमी मिलने का इंतजार कीजिए, सही लोग मिलने का इंतजार कीजिए, और आप देखेंगे कि एक सही टाइम पे चीजें जो है आपको डिलीवर होती है। भगवान ने ना हर आदमी के लिए निर्धारित कर रखी है सफलता, हर आदमी का यहाँ सक्सेस रूट क्लियर है। जब आप ज्वाइन करते हैं ना इस इंडस्ट्री को, तो ऐसा है कि हर आदमी ने आपके लिए टीम, आपके लिए लीडरशिप तलाश के रखी होती है। जैसे एक लड़का जन्म लेता है ना, तो किससे उसकी शादी होनी है, वो लड़की कहीं ना कहीं जन्म लेती है बाद में। और अगर लड़की का जन्म होता है तो किससे उसकी शादी होनी है, देयर इज अ मेट फॉर एवरी मेल एंड एवरी फीमेल। हर आदमी के लिए उसका जोड़ीदार है, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं दिखेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, वो वक्त आने पर परमात्मा अपने आप उनका संगम गिरा देता है, उनको मिला देता है, और वो एक अच्छा पेयर और एक अच्छी जोड़ी बन पाते हैं। इसीलिए डैक्सली में भी जब आप ज्वाइन करते हैं तो समझ लीजिए आपकी डाउनलाइन रेडी है, आपकी जो डाउन है वो तैयार है, वो भगवान ने डिसाइड कर रखी है कौन लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कौन लोग कब ज्वाइन करेंगे, कौन लोग आपके डायमंड पे ज्वाइन करेंगे, कौन लोग आपके बाइक लेने पे ज्वाइन करेंगे, कौन लोग आपके कार लेने पे ज्वाइन करेंगे, कौन लोग आपके क्राउन एम्बेसडर बनने पे ज्वाइन करेंगे, वो डिसाइडेड है। लेकिन आप वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त का, कि उन चीजों का मिलान हो सके। आप पहले दिन से सोचेंगे कि मेरा जोड़ीदार मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा, यार मेरी अपलाइन को तो मैं मिल गया, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, यार मेरी अपलाइन कितनी लकी है कि उसको मैं मिल गया है, उसके तो बंदे पूरे हो गए, लेफ्ट राइट चल गई, मेरी क्यों नहीं चल पा रही। अरे अपलाइन ने एफर्ट्स किया, उसके लिए पेशेंस रखा है, कुछ साल की तपस्या की है, कुछ महीनों का बलिदान दिया है, सीखा है। आप भी एफर्ट कीजिए, भले पहले 10 लोग ज्वाइन किया, हो सकता काम ना करें, हो सकता 10 लोग काम करें आगे ना बढ़ पाए, हो सकता कुछ आगे बढ़े लेकिन फिर छोड़ जाए, लेकिन आपको और हर अच्छी चीजों को कॉपी करते नहीं चलना है। दोस्तों तो मेरी कोशिश थी, मैंने तीन स्टोरी के जरिए आप तक तो कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। ये तीन स्टोरीज का मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है, ये मैंने आज से नहीं, मैंने कई साल पहले से सीखी थी ये इंडस्ट्री और कई जगह मैं लगा चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करूंगा ये वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे, उम्मीद करूंगा कि तीनों में से कोई भी एक स्टोरी या तीनों स्टोरी में से कोई भी एक छोटा सा मोरल अगर आपकी लाइफ में काम कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर तीनों में कोई भी आपकी लाइफ में असर कर पाए, किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पे, आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर पाया, तो बीइंग ए सर्वाश्रेष्ठ मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं शालू ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ और आपको ढेरों शुभकामना देता हूँ आने वाले त्योहारों की, क्रिसमस की और नए साल की, लेकिन उससे भी ज्यादा शुभकामनाएं इस महीने की क्लोजिंग की। और वैसे भी मैं पठानकोट में इस समय, कल हमारे पास गोपाल कुंडु जी यहाँ पहुंच रहे हैं, हमारे अमृतसर यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ से हम कल जा रहे हैं जम्मू।
रहेंगे, वहां कुछ प्रोग्राम है वो अटेंड करके, परसों एक बड़ा सेमिनार है जम्मू में, तो वहां हम इकट्ठे उस सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद करूंगा जहां भी आप इवेंट कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, लोगों को मिलिए, ताकि इस दिसंबर को आप बड़ा बना सकें और नया साल आपके लिए बेहतरीन साल हो, इस क्लोजिंग के साथ आपका बड़ा इंसेंटिव बने और नया 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। Over to you, Sarvji sir. Right, sir. Right. Thank you for such a beautiful session. और इतना बेहतरीन मैसेज सभी को मिला है, जो सुन करके मजा आ गया और जरूर इससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. To be sitting doing nothing must be sitting very 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 high up. बहुत प्यारा मैसेज था सर. Second, bullshit might get you to the top, but it won't keep you there. ये भी मतलब हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल सही मैसेज था. Not everyone who drops to sit on you is your enemy, and not everyone who gets out of the shit is your friend. तो बिल्कुल सही तरीके से मेरे ख्याल से दिल तक छूने वाली बातें थी जो लोगों को समझ में आई होंगी. And thank you for coming and thank you for giving such a beautiful session. तो ये थे हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शालू ठाकुर. और रुकिए, जाइएगा मत, आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही प्यारा सरप्राइज. मैं कोई वीडियो एक वीडियो शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ, तो प्लीज उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, उस सरप्राइज को ओपन करूंगा. जल्दी से वीडियो देखिए और सरप्राइज को हम फिर से ओपन करेंगे. तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं. राइट, तो कोशिश कर रहा हूं मैं शेयर करने की. शेयर कहीं मत जाइएगा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयरिंग में आ रहा हूं. मेरे को एक मिनट दीजिएगा. राइट, तो मैं आपके पास पहुंच गया हूं और मैं शेयर करने वाला हूं. उसके बाद हम बात करेंगे कि हम क्या इसमें पाने वाले हैं. ये आप सभी के लिए सरप्राइज है. तो क्या आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं वापस आप लोग के पास पहुंच रहा हूं. आई थिंक कुछ एक इश्यूज है, वापस आपके पास पहुंच रहा हूं. आई विल रिक्वेस्ट, अगर मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो प्ले करने के लिए, बिकॉज मुझे टेक्निकली कुछ लग रहा है कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं. अगर सर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आई विल रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर करने के लिए.
कहीं मत जाइएगा, एक मिनट का वक्त और दीजिएगा, मैं वापस आपसे जुड़ रहा हूं और मैं वापस ओके। तो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूं और वो है उस वीडियो का लिंक जिसको आप देख सकते हैं और इस वीडियो को आप जान सकते हैं कि वीडियो क्या है। ओपन करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बता दूं ये क्या है। आज मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं कि आप पहले सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, CNT बन सकते हैं हमारे TTP प्रोग्राम में, यानी कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में, जो कि होने वाला है दिल्ली में बहुत जल्दी अगले महीने, और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, वो की है 100, मात्र 100 सीट्स हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही नायाब। आपने जिंदगी में ऐसा इवेंट आज तक अटेंड नहीं किया होगा जो आप ये अटेंड करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और मैं आपको कुछ बातें बता दूं, वहां पर हमारे साथ आने वाले हैं श्री मोहम्मद जाकिर हुसैन जी, जो कि एक्स डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक्ट बनाया था, पहला ड्राफ्ट किया था जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो आपको सर्टिफिकेट से नवाजेंगे, आपको ट्रॉफी से नवाजेंगे सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर के अहदे पे। तो एक बेहतरीन एम्पावरिंग, आपको इतना एम्पावर बनाया जाएगा कि आप बिजनेस में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये है हमारे SHPL के CNT सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर का जादू। तो देखिएगा दोस्तों, जनवरी में आपसे मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। 3 दिन के इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा बहुत ही ज्यादा जादुई ट्रेनिंग, जो कि देने वाले हैं हमारे बिजनेस कोच, और बहुत कुछ है आपके लिए सरप्राइज में। उन 3 दिनों में आपको बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो मिस मत करिएगा SHPL में पहला CNT बनने का। दोस्तों कितने लोग तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं तो मैंने लिंक भेजा है, उसको जरूर देखिएगा, और साथ में वेबसाइट पे जाकर के आप पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि हमारे इस CNT के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, एक बेहतरीन सेशन और एक बेहतरीन सरप्राइज को डिस्क्लोज किया है मैंने। मोहम्मद जाकिर हुसैन जी, एक्स डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। एक बहुत बड़ी हस्ती आपको कन्वोकेशन में सर्टिफिकेशन भी देंगे, राइट। तो इसी के साथ, इस सरप्राइज के साथ और इस बेहतरीन सेशन के साथ आज की रात बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसी सोच के साथ जल्दी से अपनी प्लानिंग बनाइए और जल्दी से इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अपने आप को एनरोल करिए, रजिस्टर करिए। ज्यादा जानकारी के लिए अनुषा मैम का आपके पास नंबर होगा, उनको कॉल करिए और कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। और भी डिटेल जो चाहिए वो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं और अनुषा मैम को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए और आज के प्रोग्राम को इतना सफल बनाने के लिए। मैं नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, और चैट बॉक्स में शेयर करने के बाद फिर 2 मिनट के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो वेट करिए, तो मैंने नंबर शेयर किया है, आप कॉल करके आपने इस की जानकारी लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और गुड नाइट टू एवरीवन। शब खैर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, सायोनारा,
बाय बाय टाटा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।